वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ पिला माने समस्ती को मुनासार स्टडी पॉइंट को वेलकम। बहुत बढ़िया कथा पिला माने तुम वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखुछ से बहुत बहुत धन्यवाद। एवं पूर्व वीडियो तुम भल भाव देखीछ, मु तुम कमेंट्स रु अनुभव कर पारली तुम माने भल भाव वीडियो देखीछ से बहुत बहुत धन्यवाद। एगेन कथा होची आज आम पे 70 नंबर प्रश्न ठू प्ले करने जा तेणु भल क्या प्रश्नटी पढ़ीदा तापर प्रश्न कौन अच्छी करवा से अनुसार पे आम आज आलोचना परिसर को आगे नवा प्रश्नटी पे रही 1400 जन छात्र थिबा गोटे विद्यालय रे छात्र और शिक्षक संख्यार अनुपात हो 35:2 अटे आउ अधिक केते जन शिक्षक विद्यालय रे जोग देले एही अनुपात 25:2 हबो। बढ़िया प्रश्नटी पे माने ध्यान सहित मो कथा को शुणुथिबो आउ भिडियोटी मत देखुथिबो। आम कौन करवा ना मनेकर बर्तमान आम विद्यालय शिक्षक संख्या को आम नहींजा एक्स, तो प्रश्नानुसार 1400/x इज एन इक्वाल 35/2, तो 35x इज इक्वाल टू के 1400 × 2 28 हम हाँ कि ना, तो एक्स पिले के 28 विभक्त का 35 क्या 35 पटे गुणा होता है गले हरा हो 80 पिले होगा। मनेकर आउ वाई जन शिक्षक जोगदे छात्र और शिक्षक संख्यार अनुपात हम 25:2 हम तेल प्रश्नानुसार 1400 विभक्त 80+y इज एन इक्वाल 25/2 तेल दुईटा पिले गुणा हम 1400 ये 28 हम 25 को ये 80 आम गुणिया पिले के 2000+25y इज इक्वल टू 28 तेल 25y इज इक्वल टू के 28 - 2000 इज इक्वल टू 800 होगा। तेल वाई इज इक्वल टू 800 विभक्त 25 इजा निकल के हरिदेव रफ्रे 3200 उत्तर तेल अधिक आउ के जन शिक्षक पिले लगे 32 जन शिक्षक जोगदे छात्र और शिक्षक संख्यार अनुपात आमर पिले हम के 25:2 बुझिपाल ना पे मैंने देख पिले आउ थे भी आलोचना तुम सहित करुच्ची आमको दि जाइए 1400 जन छात्र के जो आम 1400 जन छात्र थिबा गोटे विद्यालय रही विद्यालय 1400 जन छात्र रही और शिक्षक रही तेणु से अनुपात रही के 35:2 रही पिले तेल आउ अधिक केते जन शिक्षक विद्यालय आम जुग दे अनुपात ये 25:2 हम ना ना प्रथम थी सरी से 35:2 पिले तो तार अनुपात आमर आउ जब केत शिक्षक आज जोग दे अनुपात पिले 25:2 हम से आम निर्णय करार कथा तेल बर्तमान कथा होमें नहीं जा आमर 1400 जन छात्र थिबा गोटे विद्यालय छात्र शिक्षक संख्यार अनुपात के 35:2 तामने 1400 आम से शिक्षक संख्या को एक्स नहीं जा 1400 विभक्त को एक्स इज इक्वल टू है 35/2 तेल आम वज्रगुणन करने 35x इज इक्वल टू 2800 तेल एक्स इज इक्वल टू के 28 विभक्त 35 इज इक्वल टू 80 आम एक्स मान ये शिक्षक मान संख्या पे आम 80 पाईले कितु आउ आम केतेज शिक्षक जोग दे तार अनुपात पे 25/2 हम तेल से ही 1400 जन छात्र आम रे कन्स्टाट से रही विभक्त आम 80+y करवा क्या 80 जन शिक्षक बर्तन पाई आउ जोग देते के वाई जन को आम नहीं चाहिए 80+y इज एन इक्वल 25/2 तो 25/80+y इज एन इक्वल है 1400 × 2 28 तेल 25 को 28 आम गुणीदा ताजी पे 2000 25 को वाई पे गुणिले हम प्लस 25y इज इक्वल टू के 2800 तेल 25y इज इक्वल टू के 2000 आम सेपट को नहीं जा 28 विभक्त 2000 800 आसीगला तेल वाई इज इक्वल टू के पे क्या 25y इज इक्वल टू 800 तो वाई इज इक्वल टू 800 विभक्त 25 इज एन इक्वल 32 तेल अधिक 32 जन शिक्षक जोग दे छात्र और शिक्षक संख्यार अनुपात पिले के 25:2 आम हम यहाँ मन रख 70 नंबर प्रश्न तापर आम जी पे 8 नंबर प्रश्न कौन रही आम देखा दे बढ़िया प्रश्न टीए 60 लिटर मिश्रण क्षीर और जलर अनुपात रही 2:1 पिले रही तेरे से आउ के लिटर जल मिसाइले मिश्रण से क्षीर और जलर अनुपात 8:5 हो पूर्व प्रश्न पर पिले तेल देख कौन अच्छी प्रश्नटी ना आमको नवाक पड़ो 60 लिटर मिश्रण से क्षीर और जलर अनुपात हो 2:1 मनेकर आमर कौन करवा 60 लिटर मिश्रण क्षीर परिमाण हो 2x लिटर और जलर परिमाण हो x लिटर तेल प्रश्न अनुसार दुटाक मिसेल हो 60 लिटर तेल 2x+x इज इक्वल टू 60
टू एक्स रे एक्स मिसले हेला बोले केते थ्री एक्स इजिक्वल टू षाठी तो एक्स इजिक्वल टू केते हबो ना षाठी विभक्त को तीन इजिक्वल टू कोड़े हो जीवो हाँ कि नहीं एटा आम जानीगले तले एक्स रो मूल्य आम जलर परिमाणटा पाइगले पिले कोड़े तले मिश्रण रे क्षीर रो परिमाणटा केते दुई गुण रे कोड़े सने सा आमर केते ला 40 लीटर और जलर परिमाण हेला 20 लीटर मनेकर मिश्रण रे आउ के वाई लीटर जल जदि आम मिसई दबा तले क्षीर और जलर अनुपात रे हिचो 8:5 पिले पूर्व प्रश्न परिना नाही ठीक तार भली तुम्हें यहाँ भी आनंद सहित पिले कर अच्छा तापर तो आम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को जीपा आमर कथा आमर रही के षाठी लिटर टोटाल रही है ताधर क्षीरर परिमाण 40 लिटर आउ आम जलर आउ जल जी लिटर रही वाई लिटर मिसेले तार अनुपात हम 8:5 ताले 40/20 प्लस वाई आमर रहा केते 40/20 प्लस वाई इज एन इक्वल होची 8/5 तापर पिले वज्र गुणन करदे ना नहीं ताले आमर के 8 गुणन 20 प्लस वाई हेले 8 को आम 20 गुणिले 160 8 को वाई गुणिले हम 8y इजिक्वल टू 40 को 5 गुणिले 200 ताले 160 प्लस 8y इजिक्वल टू 200 हला तो आम पाखे आम जानचे पिले सब अज्ञात पदटी राम पटे और ज्ञात पदटी सब रोटी डाण पटे तो 8y इजिक्वल टू 200 माइनस 160 इजिक्वल टू के 40 होगा पिले ताले वाई इजिक्वल टू के 40 विभक्त 8 सामान के 5 हम हाँ कि नहीं बढ़िया प्रश्न टे पिले प्रश्न पूर्व प्रश्न पर ध्यान सहित यही नंबर टी भल भाव देख तुम मैथमेटिक्स नोट्स खाते करके रख ओके भल लगुच ना नहीं पाने मैथमेटिक्स सहज लगुच ना कष्ट लगुच निश्चिंत भावे मुशा रखुच्छी निश्चिंत भावे तुम बहुत सहज लगुव बुझे बहुत सहज हम पाने तापर आम जी पिले बर्तन आम अत्यवतर पाईगले 5 लिटर जल जदि आम अधिक मिसई दबा तो नूतन मिश्रण से क्षीर और जलर अनुपातटा 8:5 आमर हम तापर पे आउ गोटे प्रश्न आम नहींचे 19 नंबर प्रश्न तुमने कही चारोटी प्रश्न मुझे 19 आ 20 जोड़े प्रश्न रहा देख पिले ये ए ओ बी रो आयर अनुपात दिखाई से 3:2 सेमानकर व्ययर अनुपात दिखाई 5:3 अटे जदि प्रत्येक 15 टंका लेखा संचय करुथिबे तेबे बी रो आय केते हबो एभरी प्रश्नटी आम रही ए ओ बी रो आयर अनुपात देछि 3:2 सेमानकर व्ययर अनुपात देछि 5:3 रही जदि प्रत्येक 15 टंका लेखा संचय करुथिबे तेबे बी रो आय केते हो पचारला ताले आमे जिबा प्रश्न उत्तर को जिबा ए ओ बी रो आयर अनुपात होछि 3:2 मनेकर ए ओ बी रो आय यथाक्रमे 3x आउ 2x आमे नै जिबा मनेकर नै जिबा एटाकु ताले ए रो संचय आउ बी रो संचय पले होछि केते 15 टंका ना नै ताले ए रो व्यय केते हबो ना 3x माइनस 15 टंका बी रो व्यय केते हबो ना 2x माइनस 15 टंका एटा बुझि खला ना नै देख पिले ए ओ बी रो आयर अनुपात को आम 3:2 दत्त अच्छे आम यहाँ तेल मनेकर जब आम एक्स प्रकाश कराया चाहिए तेल मनेकर ए ओ बी रो आयर यथाक्रम है 3x टंका आउ 2x टंका ताले ए रो संचय इजिक्वल टू बी रो संचय केते उभय दुजन जाक संचय कर 15 टंका लेखा ताले ए रो व्यय केते हबो ना आय फेडाण संचय इजिक्वल टू के आमर आसीज व्यय ताले 3x से आय कर संचय कर 15 टंका ताले आय फेडाण संचय इजिक्वल टू व्यय से भाई ए रो बाहर कर एवं बी रो मध्य व्यय बाहर कर ए रो व्यय आसला 3x माइनस 1500 बी रो व्यय आसला पे 2x माइनस 1500 व्यय मैंने जहाँ से पे खर्च कर देती आयटा जहाँ से रोजगार कर तार आय ताभर जहाँ खर्च कर तार व्यय और जोटा तार बाकी रही जाए तार संचय ओके ताले प्रश्न अनुसार आम नहीं जावा जे 3x माइनस 1500 विभक्त 2x माइनस 1500 इज एन इक्वल 5/3 दत्त अच्छी 5:3 हम ताले पिले वज्र गुणन करवा आम कौन करवा 5×2x माइनस 1500 एपटे रखा 3 × 3x माइनस 1500 ताले 5×2x गुणिले 10x है 5×1500 गुणिले 7500 है सेमती राइट हैंड साइड के 3×3x गुणिले 9x है 3×1500 गुणिले माइनस 4500 टाँग आमर होगा ताले बर्तन कौन कर एक्स तो पे बाँपट को आने संख्या डाण पट को ना तो 10x माइनस 9x कहीं प्लस 9x थी डाण पटे बाँपट गले पार्श्व परिवर्तन हेले माइनस होपट सेमती माइनस 7500 था एपटक आसे पे प्लस 7500 होपटेर से ही कौन है समीकरण टी ना 10x माइनस 9x इज एन इक्वल 7500 माइनस 4500
ତାହେଲେ 10x ରୁ ମାଇନସ 9x କଲେ କେତେ ହେବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ହେବ। ସେମିତି 7500 ରୁ ତାହେଲେ ମାଇନସ 4500 ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ 3000 ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲା ହେଲା 3000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବିର ଆୟ କେତେ ନା 2x ଅଛି ତାହେଲେ 2 × 3000 କଲେ 6000 ଟଙ୍କା ପିଲା ଆମର ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ନା ପିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବ ପିଲେ, କୌଣସି ମତେ ବି ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଭଲସେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ତ ଅଧା ଅଧା ଜାଣିପାରିବନି, ତେଣୁକୁ ସ୍କିପ୍ କେବେ କରିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଏତେ ଦେଇଛି ଦର୍ଶାଅ ଯେ 3:4 ବର୍ଗାନୁପାତ 15:17 ପ୍ରତିଲୋମାନୁପାତ ଏବଂ 25:49 ବର୍ଗ ମୂଳାନୁପାତ ହେଲା ପିଲେ ପାତର ଯୌଗିକର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 51:112 ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଏ ବାଇ ବି, ସି ବାଇ ଡି ଆଉ ଇ ବାଇ ଏଫ୍ର ଯୌଗିକ ଅନୁପାତଟା ପିଲେ କ'ଣ ନା ଉପରକୁ ଉପର ଗୁଣା ହେବ, ତଳକୁ ତଳ ପିଲେ ଗୁଣା ହେବ। ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଇ, ତଳେ ହେବ ପିଲେ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏଫ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ଆଗ। ତାପରେ ଦେଇଛି 3:4 ବର୍ଗାନୁପାତ, ବର୍ଗାନୁପାତ ମାନେ ତା'ର ସ୍କୋୟାର, 3/4 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲେ 3 ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 9, 4 ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି କେତେ 16। ସେହିଭଳି 15:17 ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତଟା କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତ ହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଓଲ୍ଟି ଯିବ, 15:17 ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ 17/15, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତ। ସେଭଳି 25:49 ବର୍ଗମୂଳ ଅନୁପାତ ମାନେ ତା'ର ବର୍ଗମୂଳ ପିଲେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 25ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ 5, 49ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି କେତେ 7, ତାହେଲେ 5/7 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯୌଗିକ ଅନୁପାତଟା କେତେ ହେବ ନା 9/16 ଗୁଣନ 17/15 ଗୁଣନ 5/7। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟାକଟି କରି ଗୁଣାଗୁଣି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆସିଗଲା ପିଲେ କେତେ ନା 51/112, ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ ଆମର ହୋଇଗଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ପିଲେ ଡବଲ୍ ଆଇ ପ୍ରଶ୍ନ, 7:6 ବର୍ଗାନୁପାତ କେତେ, ବର୍ଗ କହିଲେ 7/6 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତ 7ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 49, 6ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 36, ଏଇଟା ପିଲେ ଜାଣିଗଲା ନା ନାହିଁ ବର୍ଗାନୁପାତର। ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଛି 125:384 3/83 ଘନ ମୂଳାନୁପାତ, ତା ମାନେ ତା'ର ଘନମୂଳ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ରୁଟ ଓଭର୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ତିନିଟି ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ଆମର ହେଲା ଘନ ମୂଳାନୁପାତ। ତାହେଲେ 125ର ଘନ ମୂଳାନୁପାତ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ ନା 5, କାହିଁକିନା 3 × 5 ଗୁଣଫଳ 125 ପିଲେ ହୁଏ। ଘନ ମୂଳାନୁପାତରେ ପ୍ରତି 3 ସମାନ ଅଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ପିଲେ ନିଆଯାଏ। ସେହିଭଳି 343 ପିଲେ ହେଉଛି କେତେ ନା 7×7×7, ତେଣୁ ପ୍ରତି 3 7 ଆମେ କେତେଟା 7 ନେବା, ଗୋଟିଏ 7 ନେବା, ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ଆମର ହେଲା 5/7। 125:343 ଘନ ମୂଳାନୁପାତ ହେଉଛି 5/7 ପିଲେ ଆମର ହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି 35:36 ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତଟା ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଓଲ୍ଟି ଯିବ, 36/35 ହେବ, ତିନିଟାକୁ ଜାଣିଗଲ, ବର୍ଗାନୁପାତ ଘନ ମୂଳାନୁପାତ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତ, ପ୍ରତିଲୋମୀ ଅନୁପାତରେ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ଓଲ୍ଟି ହେଇକି ଲେଖା ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତକ୍ରମଟା ହେବ, ଋଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯେଉଁଟା ଆମର କହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ ଅତେବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଥିବା ତା'ର ଯୌଗିକ ଅନୁପାତ କେତେ ହେଲା ନା ପ୍ରତି ତିନିଟାକୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଯିବା, 50/36 ଗୁଣନ 5/7 ଗୁଣନ 36/35। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତ କଟାକଟି କଲେ ଆମର ଆସିଯିବ କେତେ ନା 1:1, ସବୁ କଟିକାଟିକି 1:1 ଆମର ହେବ। ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଜି ପିଲେ ଆମେ 4 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆଜି କଲେ, ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, କୌଣସି ମତେ ପିଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁକରି ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲେ ଦେଖିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।